जिन लोगों ने 2016 के रियो ओलंपिक में मीराबाई चानू का मुकाबला देखा था उन्हें पता है कि किस तरह मैच हारने के बाद चानू की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। ठीक ऐसा ही वाकया शनिवार को टोक्यो ओलंपिक में देखने को मिला, जहां बेल्जियम की एक 18 वर्षीय खिलाड़ी ने मेडल जीतने के लिए जी जान लगा दिया, लेकिन वह पदक जीतने में असफल रही, जिसके बाद वह भावुक हो उठी। मंच पर ही वह फपक फपक कर रोने लगी, लेकिन उनके खेल ने लोगों का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर उनकी कोशिश की जमकर तारीफ हो रही है। बता दें, भारोत्तोलन के जिस मुकाबले में भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है, उसी मुकाबले में बेल्जियम की 18 वर्षीय खिलाड़ी नीना स्टेरक्स ने 5वां स्थान हासिल किया और वह पदक से चूक गई। 49 किलोग्राम वर्ग में नीना भले ही पदक से चूक गई, लेकिन उन्होंने जिस तरह आखिरी कोशिश में जज्बा दिखाया, उसे सभी सलाम कर रहे हैं। बता दें, 2021 यूरोपियन चैंपियनशिप के जरिए टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाने वाली नीना का मुकाबला भारत की मीराबाई चानू, चीन की होउ जिहुई और इंडोनेशिया की एसाह विंडी कांडिया से था। नीना ने 82 और 99 किलोग्राम वजन तो आसानी से उठा लिया, लेकिन 101 किलोग्राम का वजन वह उठा न सकी। उन्होंने आखिरी तक भरपूर कोशिश की, लेकिन वह असफल रही और ओवरऑल वह 5वें स्थान पर रही। इसके बाद उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इतना ही नहीं, ड्रेसिंग रूम में भी वह खूब रो रही थी। इस दौरान कोच और सपोर्ट स्टाफ ने उनका हौसला अफजाई किया। इस प्रतिभावान खिलाड़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। फैंस ने उन्हें अपना फेवरेट एथलीट बताया है। 18 वर्षीय नीना अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने जिस तरह का जज्बा दिखाया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2024 और 2028 के ओलंपिक में यह खिलाड़ी नए कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। बता दें, 2024 ओलंपिक पेरिस, जबकि 2028 के ओलंपिक का आयोजन लॉस एंजलिस में होना तय है। जिस मुकाबले में नीना हारी है, उस मुकाबले में चीन की होउ जिहुई ने 94 और 116 किलोग्राम का वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता है, तो भारत की 26 वर्षीय मीराबाई चानू ने 87 और 115 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा इंडोनेशिया की एसाह विंडी कांटिया ने 84 और 110 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया है।